या मैगी का नाश्ता स्टार्ट। एक्चुअली धूप ज़्यादा है तो लगा ली है कैप, क्योंकि सनबर्न होने का चांसेस है। सनबर्न फिर भी हो जाएगा, टोपी गोलाई लेके आनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत बचाएगी। तो यहाँ पे पीछे कैंप था, यहाँ लगे हैं फूल मस्त, और यहाँ पर पानी का धारा है जहाँ पर नहाते हैं। चल रहे हो आप लोग भी नीचे को? नहीं अभी आएंगे। अच्छा, आप पूजा देख के आओगे? अच्छा, हम लोग पूजा नहीं देख रहे, बाकी लोग 9 बजे पूजा देख के आएंगे। ये लोग बहुत तेज़ चलते हैं ना, इसलिए हमारा मकसद था दर्शन करने का, दर्शन हो गए। और ये पानी का धारा है जहाँ पर लोग नहा रहे थे, और मैंने भी यहीं पे हाथों हाथों धोए। तो यहाँ से अब निकलते हैं, वैली का नज़ारा लेते हुए हम पहुँचेंगे सीधे सगरराज। देखो सगर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। देखिए वैली ऑफ फ्लावर क्या, अगर आपको लुत्फ लेना है साथ साथ में महादेव का टेम्पल का, तो ये एरिया काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के फूल खिले हुए हैं, लाल, पीले, नीले, गुलाबी, पूरी वैली ही फूलों से खिली हुई है। काफ़ी सुंदर नज़ारा है। मेरे में आपको रास्ता नहीं दिखा पाए थे ना, वो रास्ता यही है। इस रास्ते में हम लोग एक मोबाइल के टॉर्च के सहारे पूरा चले हैं। ये देखो, देखिए ये रास्ता ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, उस वाले टॉप पे पहुंचना है, फिर वहाँ से हम लोग को ना डाउन मिलेगा रास्ता डाउन। अभी हमको चढ़ाई पड़ेगी इस रास्ते में, थोड़ा पैदल भी है थोड़ी चढ़ाई भी है। तो वो अंकल हमारे हमसे बोले थे कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, हम लोग मैगी खाने लग गए। तो वो अंकल पहुँच गए वो ऊपर, बोलते हम एक साथ जाएंगे बोलते थे, लेकिन वो मैगी का वेट नहीं कर पाए तो वो भग लिए तुरंत। मैगी तो उन्होंने भी खाई, मैगी वाला खाया, चाय नहीं पीना उन्होंने तब। तो यह है शानदार प्राकृतिक नज़ारा। दुनिया की गाफिल जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगानी रह गई तो फिर ये जवानी गई है कहाँ। अभी जिस ट्रैक पर कर रहे हैं ना, मुझे लगता नहीं कि 40 साल बाद ये ट्रैक हम कर पाएंगे। तो जवानी के जो दिन होते हैं ना थोड़े, वो अलग उसका होता है। अभी जितना घूम लो आप घूम लो, बाद में आपके डेस्टिनेशन बचेंगी गोवा, दार्जिलिंग, ऐसे जहाँ आपको चलना नहीं पड़ेगा। ये भी चलने वाली ट्रक है, आओ एक्सप्लोर करो और प्रकृति का लो आनंद। इतना खूबसूरत मौसम है, ताज़ी ताज़ी हवा है, प्यारे प्यारे बुग्याल हैं, और इससे बड़ा बेहतरीन क्या चाहिए एक मुसाफिर को। पहले क्या था ना, इस बुग्याल में जगह जगह पे जैसे हल्के जहाँ पत्थर नहीं के यहाँ कुंड बनाया हुआ है, यहाँ पर रहने के लिए मतलब टेंट वगैरह लगे रहते थे। जब से हाई कोर्ट का डिसीजन आया कि बुग्याल में कोई टेंट नहीं लगाना है, तब से ये सब हटा दिया गया। तब जो लास्ट है पनार बुग्याल जहाँ से स्टार्ट होता है, वहाँ पर से लेके रुद्रनाथ टेम्पल की जो डिस्टेंस 9 किलोमीटर है। तो अगर आप मतलब गलत टाइम पे वहाँ से इंटर हो गया, यहाँ अंधेरा हो गया, तो आपको वहाँ जाना ही है या तो वापस जाना है। आपका कोई ऑप्शन नहीं है कि आप बीच में यहाँ रुक जाओ, क्योंकि ये एरिया पर जंगली जानवरों का भी है और रात में मतलब कंफर्ट भी नहीं है।
इतने गिरे तो इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है, बीच में कहीं पे होता रुकने का तो इंसान आराम से रुक सकता था कहीं पे भी। वो बोलते हैं ना द बेस्ट व्यू कम फ्रॉम द हार्डेस्ट क्लाइम, मतलब एक नज़ारा देखने के लिए आपको बहुत ऊंचा चढ़ना पड़ता है। तो अभी हम लोग हैं पित्तधार में, जो इस ट्रैक का क्या है सबसे ऊंचा हिस्सा है। मेरे आप बात समझ में आई ना, मतलब इसका जो है करीब 3800 मीटर से अबव इसका हाइट है, और रुद्रनाथ टेम्पल 3600 मीटर में है तो वो नीचे है, वो चतुर्थ केदार है, उससे सबसे ऊंचा मंदिर हमारा तुंगनाथ है 3800 मीटर में। तो ये करीब आपके, क्योंकि मुझे लगता है कि ये सामने जो हिमालय रेंज है ना उसके बिल्कुल इक्वल में है। बर्फ़ गिरती होगी सबसे पहले यहाँ गिरती होगी, बाद में वहाँ गिरती होगी, और ये इलाका काफ़ी ठंडा भी है। और यहाँ से मैं आपको नज़ारा दिखाता हूँ उस साइड का एक बार, तो यहाँ से वहाँ का नज़ारा देखिए ना आप एक बार यूँ, तो सारी हिमालय रेंज दिखाई दे रही है। और मैं आपको अगर बेस्ट नज़ारा और दिखाऊँ एक और, तो आप ये देखिए ना ये झंडे लगे हुए हैं, इस झंडे के बीच से देखिए क्या नज़ारा है, पूरे क्लाउड ही क्लाउड है उस साइड में। ये इस साइड में कोई भी हिमालय रेंज दिखाई दे, क्योंकि उस साइड को पूरा एरिया लोग रहते हैं, उस साइड में हिमालय नहीं है, लेकिन यहाँ से जो नज़ारा है ना काफ़ी खूबसूरत। इसका एक टाइम लैप्स बनाते हैं हम लोग, वो बहुत बेहतरीन बनेगा, देखते हैं कैसा बनता है। तो ऐसा नज़ारा कहाँ देखने को मिले। अब हम लोग पित्तधार से नीचे की उतर रहे हैं, थोड़ी यहाँ पे टाइमलेस बनाया था, 3 सेकंड का बना, उतना मूवमेंट बादलों में है नहीं क्योंकि हवा बहुत हल्की चल रही है, उस वजह से थोड़ा 3 सेकंड का है, उसी पे आपको संतोष करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग भी आए थे अभी, उनके साथ बैठे थोड़ी गप्पे मारी, तो यानी हमने यहाँ पर 9:17 पर आए थे, 9:50 पर हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। तो हमारा अगला स्टेशन होगा पनार बुग्याल, तो वहाँ कुछ मिल जाए खाने पीने के लिए, देखते हैं। अभी शाम तक मौसम में निकालते बारिश वाला हो जाएगा, जहाँ तक लग रहा है बादलों को देख के, उस साइड में बादल बहुत हैं क्योंकि धीरे धीरे झकी हो रहेंगे। ऊपर कौवा आसमान उड़ रहा है, ऊपर एक तिरंगा झंडा लगाया किसी ने वो पीक पे, और नीचे घाटी बहुत ज़बरदस्त है, व्यू बहुत अच्छा है। ऐसा है ना कि ट्रैक तो कठिन है ही है, क्योंकि अभी तक जितने लोग हमसे मैं मिला हूँ इस ट्रैक में, खुद हम लोग भी है ना ट्रैक करते हैं, लेकिन आज छूटने की वजह से थोड़ा बहुत होता है, लेकिन मैं 3 किलोमीटर पर डे की रनिंग करता हूं तो उसकी वजह से मेरे को ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जब ऑक्सीजन लेवल कम आता तब इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन जितने भी लोग हैं जो पहाड़ से पहाड़ के भी हैं, तो वो लोग को भी दिक्कत हो रही है चलने में, क्योंकि पंचकेदार में सबसे ज़्यादा खतरनाक ट्रैक, सबसे टफ बोलते हैं रुद्रनाथ के ट्रैक को। तो ऐसा कुछ है, हमारी किस्मत ये अच्छी है कि बारिश नहीं है, सही बात बोली तुमने, किस्मत अच्छी है कि बारिश नहीं है, बारिश होती तो भाई साहब ट्रैक करना और ज़्यादा मुश्किल। 2 दिन से भोले की कृपा से बारिश मतलब हुई नहीं, आज भी मौसम अच्छा है, कल तक हो गया था बारिश क्योंकि बादल छाए हुए हैं। ये है पूरा पनार बुग्याल, जो अभी आप बोला था ना कि बुग्याल पनार बुग्याल आ गया, तो ये देखिए कितना खूबसूरत प्लेस है, कितना खूबसूरत नज़ारा है, आप उस चीज़ को समझो कितनी खूबसूरती होगी, और मेरी आंखों को कितना सुकून मिलेगा। जो कैमरा नहीं दिखा सकता है वो आंखें आपकी देख सकती हैं, कैमरा सिर्फ एक वीडियो बनाता है, लेकिन जो आंखें और मन और शरीर महसूस करता है वो चीज़ कैमरे पे तो नहीं हो सकती है। ये है नज़ारा कुछ खास, हमारा गोलू उधर बैठा हुआ है ऐसे करके आराम से, आज उन्हें पार्टी बदल ली ना गोलू ने। गोलू कौन है तो आप देखना, वो जो ब्लॉग था हमारा रुद्रनाथ आने वाला पहले, तो गोलू हमारे साथ पनार बुग्याल तक आया था। तो ऐसा नज़ारा आप देख सकते हो क्या, इतनी टॉप क्लिम में मैं खड़ा हूँ ऐसे, यहाँ से बिल्कुल नीचे खाई है, और ये देखिए नज़ारा चारों ओर का, वो नीचे सगर विलेज दिखाई देने लग गया है हमको, जहाँ हमारा बेस कैंप था, यहाँ तक उसकी दूरी 16 किलोमीटर है, अभी 16 किलोमीटर हमने नीचे और उतरना है, बाकी यहाँ से 16 से लेकर 9 किलोमीटर तो हम लोग आ चुके हैं नीचे, अभी दिन के 11 बजे हुए हैं फिलहाल,
तो हम लोग नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं झोपड़ी टाइप की, हम लोग वहीं करेंगे लंच, उसे बोलते हैं मिनी पनार। तो मिनी पनार में हम लोग लंच करेंगे, यहाँ पर भी है वैसे ऑप्शन, इधर पर भी। तो काफ़ी अच्छा दिलकश नज़ारा है ये वाला। तो आप पीछे का नज़ारा देख सकते हैं, बेहतरीन नज़ारा है पीछे का। मेरे बिल्कुल पीछे खाई है, बहुत तगड़ी वाली, ऐसी तगड़ी वाली खाई। और मेरे पीछे वाला आप देखिए वो नज़ारा, वो काफ़ी खूबसूरत है। और इधर पीछे देखिए, पीछे पीछे फिर हिमालय रेंज है, ये देखिए कितना खूबसूरत इलाका है। अभी हम रुके हैं ल्यूटी में, ल्यूटी में हमारे लिए देखिए फर्स्ट क्लास बन रहा है चौसा और भात। ये लकड़ी के चूल्हे में बन रहा है, बिल्कुल कढ़ाई में ये खाएँगे, उसके बाद नीचे को ट्रैक करेंगे। लंच का टाइम हो गया है, दिन के करीब 12:30 बजे हुए अभी। तो ये आ गया हमारा चौसा भात, साथ में पहाड़ी ककड़ी और प्याज का सलाद है, अचार। कैसा लग रहा है? ऑसम से टेस्ट है ना, मज़ा आ रहा है ना पहाड़ी खाना खा के? बोला नहीं जा रहा मुझसे, अच्छा थक गया हूँ। अच्छा पहुँच ही सागर। तो जवान साहब मैंने डिसाइड किया कि वो जीचे पीछे जो जंगल के पीछे जो बुग्याल टाइप का है ना, वहाँ हम लोग चाय पियेंगे कल। अब हम लोग ऐसे चाय चल के आए थे, अभी ऐसे देख के लगा कि यार हम लोग आखिर आए कैसे। अभी जैसे और लोग की भी हालत ख़राब है, मतलब हम लोग की भी ऐसी हालत ख़राब थी। सामने वाटरफॉल है देखिए खूबसूरत सा, और आज थोड़े गर्मी आ रहा है तो सनबर्न हो गया है, पूरा हाथ जल गया है, कान पूरे हुए हैं। ऊपर तो खैर टोपी पहनी हुई है, ऊपर मतलब टोपी पहनी हुई तो ऊपर तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन कान और गर्दन सनबर्न में आ गया, जबकि सनस्क्रीन भी लाई थी उसके बाद भी। चल रहे हैं हौले हौले, वातावरण का पूरा लुत्फ लेते हुए, नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हैं। बस एक बार हम वहाँ पहुँच जाएंगे तो वहाँ से फिर हमको 3 किलोमीटर सगर पड़ेगा, सगर गांव नीचे है, यहाँ से करीब 8 किलोमीटर की दूरी है। इस जंगल में जैसे ही क्रॉस करेंगे नीचे जहाँ पर, तो वहाँ छाया छाया रहेगी उस बुग्याल तक पूरी। ठीक है, तो पंकज भाई के सजेशन से हम लोग पी रहे हैं यहाँ पर बुरास का जूस। पंकज भाई बहुत बेहतरीन ट्रैकर हैं, ये हमसे 2 घंटे बाद निकले थे और हमसे आगे पहुँच गए। जो वाटरफॉल है ना, ये वाटरफॉल से अंदर भी वाटरफॉल है, देखो बहुत अंदर से निकल रहा है। और ये बिल्कुल एक मतलब एसी एसी हवा दे रहा पूरी एकदम हमारी ओर को। वाह मज़ा है इसमें बहुत ज़्यादा। कल ना यहाँ पर भाई साहब एक फिसल गए थे, वो ये अभी यहाँ पर पत्थर लगाए हैं, कल पत्थर नहीं लगे थे, उन्होंने पाँव उस साइड रख लिया तो वहाँ पर काई जमी थी, वो फिसल के वहाँ पर अटक गए, वरना सीधे नीचे पहुँच जाते। थोड़ा यहाँ पर बस ये इग्नोर करना पड़ता है कि जो वाले पत्थर होते हैं ना, कौन से वाले, काई वाले, उनमें पाँव नहीं रखना, वरना आप फिसलोगे फिसलोगे। तो मैंने जो कमिटमेंट की थी ना कि हम यहाँ आके चाय पियेंगे, ये वही पुंग बुक गया है, लेकिन हम रेस्ट पहले चाय भी नहीं पी इससे कहा चाय भी नहीं पी है। तो ये पुंग बुक गया है, देखो कितना खूबसूरत है। यहाँ पर भी 2-3 दुकानें लगी हुई हैं, ओरिएंटेड डब यहाँ पर बैठी हुई है 2, तो ऐसा कुछ नज़ारा है पुंग बुक गया। अगर ट्रैक स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली दुकान, ट्रैक फिनिश करोगे सबसे लास्ट दुकान। हम यहाँ पर रेस्ट करें भैया, पाँव की हालत बहुत ख़राब होगी। बस हम लोग को वो नीचे दिखाई दे रहा है सगर, यहाँ से करीब अभी 2 किलोमीटर और है, पहले हम इंतजार कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा रेस्ट करते हैं, चाय आए पीते हैं, उसके बाद हम लोग जाएंगे नीचे को। तो देखिए सगर विलेज में हम लोग आ गए हैं, यहाँ खूबसूरत खूबसूरत खेत, ये मडुआ लगा हुआ है जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, काले रंग की रोटी होती है। अब क्या पता किसने वो ब्लॉग देखा ना, तो उसे रिपीट करता हूँ, काले रंग की रोटी होती है और बीपी और शुगर के पेशेंट के लिए बहुत अच्छा होता है। अभी तो बहुत प्लेन पर बहुत महंगा मिलता है, उन खेतों में आतंक है लंगूरों का, ऊपर कुछ खेतों में लंगूर बहुत ज़्यादा बैठे हुए हैं, सबसे ज़्यादा। तो ये था रुद्रनाथ का मुख्य प्रवेशद्वार, जहाँ से हमने यात्रा स्टार्ट की थी, और यहीं पर हम यात्रा स्टॉप करते हैं अपनी। अभी पंकज भाई के साथ आए ऊपर से, और टाइम का पता नहीं चला, थकान तो हुई। पंकज भाई भी नोएडा से आए हुए हैं, कैसा लगा यात्रा तुम्हें? ऑल नाइस, ऑल गुड, ऑल नाइस, परफेक्ट परफेक्ट, तुम सब लोग को परफेक्ट लगा हुआ है लेकिन हालत सबकी ख़राब है हाँ, लेकिन यह है कि भगवान की कृपा से यात्रा सही से संपूर्ण होगी,
अभी पहुँचते होटल में, भाई से पूछते हैं कहाँ कहाँ घूम गया एक दिन में, ठीक है।